आप देख रहे हैं नंबर वन सूत्रा जनता मांगे जवाब। नमस्कार, फराज एसएस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं स्थित पटेल। इन दिनों विपक्ष पीएम केयर फंड में गड़बड़ी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार सवाल कर रहा है। तमाम विपक्षी नेताओं के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार पर हमला बोला है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम केयर फंड पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये कैसे ऑपरेट किया जाता है कोई नहीं जानता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मुताबिक पीएम केयर फंड पूरी तरह से प्रधानमंत्री द्वारा गुप्त तरीके से संचालित है। उन्होंने ये भी कहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर आरोप लगाने वाले पहले ये देखें कि चीन से विवाद के बाद भी चीनी कंपनियों से पीएम केयर फंड में डोनेशन क्यों लिया गया। हालांकि दूसरी ओर भाजपा सीएम भूपेश के तमाम आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे प्रदेश सरकार की झुंझलाहट बता रही है। बीजेपी ने दो टूक कहा है कि मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है और केंद्र सरकार अभी सुपर एक्शन में भी है, इसलिए भूपेश सरकार बौखलाई हुई है। मुद्दा बड़ा और गर्म है। ऐसे में आज इस पर विस्तार से बात होगी। इसके साथ ही हम मध्य प्रदेश भी चलेंगे जहां कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ऐसे में उन वरिष्ठ विधायकों के दिल की धड़कने इस बात को लेकर तेज है कि वो टीम शिवराज का हिस्सा होंगे या फिर नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार से दिल्ली के दौरे पर है। अपने दौरे के पहले दिन देर रात तक उन्होंने हाईकमान के साथ बातचीत की जो काफी लंबी चली। कहा जा रहा है कि इस बैठक में ही मंत्रिमंडल का स्वरूप तय हुआ है जो 30 जून को मूर्त रूप ले सकता है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंत्रिमंडल में कई पुराने चेहरों के साथ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, जबकि सिंधिया खेमे से करीब 10 नेता जो आने वाले समय में उपचुनाव की अग्नि परीक्षा देंगे वे भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। आखिर कौन कौन टीम शिवराज का हिस्सा होगा और किसे निराशा हाथ लग सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं जहां फंड पर फाइट चल रही है। तो चीन मामले में मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला लगातार तेज हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूछा है कि चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए दान में दिए हैं, क्या इसलिए प्रधानमंत्री चीन पर कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री के इस बयान पर प्रदेश भाजपा की भी हमलावर हो गई है। विपक्ष ने इस बयान को भूपेश सरकार की झुलसाहट करार दिया है। आखिर कौन सही है और कौन गलत, इस विषय पर चर्चा शुरू करें। चले इसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मानसून में भी देश की सियासी फिजा गरमाई हुई है। दरअसल गलवान घाटी में भारत चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में देश के वीर सपूतों की शहादत के बाद किसी तरह की आक्रामक कार्रवाई नहीं किए जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर कई सवाल भी दागे। उन्होंने पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों से मिली करोड़ों रुपए की राशि का जिक्र करते हुए पूछा है कि क्या इस वजह से चीन के खिलाफ कार्रवाई करने से पीएम मोदी परहेज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चीनी कंपनियों का नाम और पीएम केयर फंड में उनके द्वारा दी गई राशि का जिक्र करते हुए इस संबंध में प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे केयर फंड में मिले 9,678 करोड़ रुपए की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं करते। सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक पीएम मोदी का मौन रहना कई शंकाओं को जन्म देता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार की स्पष्ट नीति है, आंख दिखाने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पीएम भूपेश बघेल द्वारा उठाए गए सवालों को प्रदेश सरकार की झंझलाहट करार दिया है। सबसे ज्यादा चिंताजनक और खतरनाक बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी को चीन कंपनियों से उनके पीएम केयर फंड में व्यक्तिगत रूप से दान प्राप्त हुए हैं। देखिए, चीन के मामला में तो पार्टी ने साफ रूप से अख्तियार किया है कि जो जिस प्रकार से उनके व्यापारिक जो रहे संबंध, अब उसको समाप्त करना चाहिए और उसमें उनके जो चीजें हैं उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। ये पार्टी पूरे स्तर पर लगी हुई है। बहरहाल
गलवान घाटी से उपजा विवाद देश के भीतर सियासी गलियारों में आग लगाए हुए है, जो जल्द बुझती नजर नहीं दिख रही। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस वक्ता रमेश बल्यानी जी हैं और बीजेपी वक्ता सी चंद सुंदरानी जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और स्वराज एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल हैं और भोपाल स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। क्या हो गया बल्यानी जी, अचानक भूपेश जी आक्रामक हो गए सीधे प्रधानमंत्री, फिर आप बोलेंगे कि केंद्र सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, आप सीधे प्रधानमंत्री पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो कैसे सहायता करेगी केंद्र सरकार आपकी? नहीं नहीं, सहायता और आरोप में अलग अलग बात है जी। पहले देश के बाद फिर बाकी बातें हैं। अब जब देश की सुरक्षा का मामला है जी, तो ऐसे समय में जब चीन से हमारी देश की संप्रभुता को खतरा है जी, तब ऐसी स्थिति में आप चीन से चंदा भी लेंगे पीएम केयर फंड में जी, तो आप क्या जवाब दे पाएंगे? जवाब क्या देने की चीज है कि पीएम केयर फंड पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं जी, कि सामान्य रूप से परंपरा यह रहती है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहायता कोष होता है जी, और केंद्र में प्रधानमंत्री सहायता कोष होता है जी, उसी में आपदा के समय उसी में दान राशि ली जाती है और उसी दान राशि को खर्च किया जाता है जी। अब ये पीएम केयर फंड बनाने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि पीएम केयर फंड के कोई ऑडिट नहीं हो सकती है जी, ये सीएजी को जवाबदेह नहीं है जी, सूचना के अधिकार में आप पीएम केयर फंड के बारे में जानकारी नहीं ले सकते हैं जी। तो आखिर ऐसा जवाबदेही से बचना क्यों चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? इसी बात का जवाब हम मांग रहे हैं जी। तो चलिए, पीएम केयर फंड देश की परंपरा को क्यों खत्म कर रहे हैं? पीएम केयर फंड का कहां पैसा आया, कहां गया? जब ये हिसाब आपके मांग लेने से क्या चीन से आपकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी या चीन से हम समझौता कर लेंगे? अगर हम आपने मांग लिया, उन्होंने दे दिया, तो इसका चीन से युद्ध या उससे उसका क्या यहां उपयोग है? त्रिपाठी जी, इसमें दो सवाल उठते हैं जी। एक तो ये है कि चीन से आपको लेना नहीं चाहिए, जब से अब डोकलाम का सवाल था 2017 से जी, अभी 2020 में आया गलवान घाटी का जी। जब आपके साथ चीन के रिश्ते सही नहीं हैं, तो चीन की कंपनियों से एक तो आपको पीएम केयर फंड में दान लेना नहीं चाहिए था। अरे दुश्मन से ले लो, पैसा ले लो, उसमें क्या है? कोरोना काल में आप इस पर क्या खर्च कर रहे हैं? अरे पैसा ले लें दुश्मन से, दुश्मनी निभाते ले लीजिए, लेकिन आप इसको सॉल्व नहीं नहीं मान लीजिए आपको पैसा भी लेना है जी, तो आखिर उस पैसे का उपयोग आप कहां कर रहे हैं इसको बताने में क्या हर्ज है? भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो राशि मिली उसे सार्वजनिक कर दिया, आप भी सार्वजनिक कर दीजिए। सूचना के अधिकार में मांगा गया तो बोले सूचना का अधिकार इसमें लागू नहीं होता है जी। तो सवाल है जवाबदेही क्यों नहीं लेना चाहती सरकार? ये क्यों चीज छुपाना चाहते हैं देश के साथ में? मतलब मुद्दा ये है, विदेश मंत्री कहते हैं कि चाइना चीन घुस गया है हमारी सीमा में हाँ। देश के रक्षा मंत्री कहते हैं चीन घुस गया है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं घुसा नहीं है। तो ऐसा हिंदुस्तान में हम पहली बार देख रहे हैं कि एक ही सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री का वर्षन अलग अलग है। तो सच्चाई तो देश के सामने आना चाहिए ना। बिल्कुल सच्चाई तो आना ही चाहिए, सच्चाई नहीं आएगी तो कैसे चलेगा? लेकिन ये भी आप जानते हैं कि व्यापारिक समझौता चाहते हुए भी प्रधानमंत्री नहीं समाप्त कर सकते हैं। आपको आप बहुत वरिष्ठ नेता है, आपको मालूम होगा व्यापारिक समझौता नहीं खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये करार है। हाँ, यहाँ का जनता अपने आप जाने समझौता में सामान खरीदना बंद कर नहीं, समझौता भले जी नहीं। त्रिपाठी जी, इस मामले में ये बड़ा भ्रम है जी। करार हम समाप्त नहीं कर सकते हैं जी, लेकिन एक डंपिंग ड्यूटी मंगाकर उन चीन की वस्तुओं को आप इतना महंगा कर दें ताकि वो भारतीय कंपनियां कॉम्पीट कर पाए और भारतीय लोग फिर उसको महंगे करें। आप यदि उनको लाने सस्ता माल लाने देंगे, डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाएंगे, तो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री उनका मुकाबला कर ही नहीं पाएगी। बुनियादी चीज तो ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है स्वदेशी के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, तो चीन के हाथ पर रोक लगाने के और तरीके हो सकते हैं, उस पर अमल करना चाहिए।
बरलानी जी, बहुत सारी चीजें हैं, बंदिशें हैं, कोई मोदी जी चीन के दोस्त नहीं है जिनपिंग के, बहुत सारी चीजें बंदिशें। हालांकि ये हमें मालूम है, आपको भी मालूम होगा कि 14 अरब आप निर्यात करते हैं और 56 अरब आप आयात करते हैं लगभग इतना, और ऐसी स्थिति में भी आप बंद एकदम से नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आइटम आप जो यहाँ नहीं बनाते हैं, असेंबल के लिए बुलाते हैं, असेंबल करके आप अपना मॉडल लगाते हैं, अपना ठप्पा लगाते हैं, भेज देते हैं, लेकिन वो सारे कल पुर्जे चीन से ही आते हैं। खैर सुंदरानी जी, अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है, विपक्ष ये मांग कर रहा है और ईमानदारी पे कोई शक नहीं, प्रधानमंत्री पे भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे हैं आज तक, तो इसको सार्वजनिक कर देने से अगर विपक्ष की मांग पूरी हो जाती है तो इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? और फिर रहा सवाल इसका कि चीन से क्या सही में लिया है आपने? चीन से लिया है पीएम केयर फंड में पैसा चीनी कंपनियों से? आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं अभी आदरणीय बरलानी जी को सुन रहा था जी। बरलानी जी ये कहते हैं कि न सूचना के अधिकार में प्रधानमंत्री केयर फंड को देख सकते हैं, न ही प्रधानमंत्री उसमें ऑडिट होती है जी। तो इनको कहाँ से पता चल गया 9678 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में चाइना ने दे दिया जी? ये तो अपने फंसे हुए को निकालने की बाहर कर रहे। कांग्रेस पार्टी को 99 लाख रुपए का फंड का चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू सोनिया जी करती है, राहुल गांधी जी चुपचाप पर्दे के पीछे जाके 2017 में 8 जुलाई 2017 को राजदूत से मिलते हैं और अपने कृत्यों को छुपाने के लिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भूपेश बघेल जी, जो हमारी कल वर्चुअल रैली हुई है आदरणीय शिवराज जी चौहान जिसके मुख्य अतिथि थे जी, ये जिस प्रकार लाखों की तादाद में उस वर्चुअल रैली में लोग जुटे हैं, कहीं ना कहीं उसे हड़बड़ा कर भूपेश बघेल जी ने उस न्यूज को दबाने के लिए, उसका असर को कम करने के लिए ये इस प्रकार का उलूल जुलूल बयान दिया है। भूपेश बघेल जी केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं, केंद्र का काम है ये प्रधानमंत्री केयर फंड के बारे में बात करने का, और केंद्र की कांग्रेस की पार्टी जो है सोनिया जी के नेतृत्व में वो तो पहले ही चाइना से एमओयू कर चुकी है कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से। इनने एमओयू कर लिया चाइना से तो आप भी करेंगे तरीके क्या? से राहुल गांधी आप भी करेंगे क्या? अगर इनने गलती की हम है, नहीं तो करेंगे। हम तो चाइना को सबक सिखाएंगे, चाइना को छोड़ेंगे नहीं। हाँ। देखिए जो भी चाइना से व्यापार बढ़ा है, 35 लाख करोड़ रुपए का व्यापार अगर पहुंचा तो 2000 से लेकर 2015 तक जी, हम लोगों ने तो 1 लाख करोड़ का व्यापार कम किया है जी। चाइना के माल को हतोत्साहित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के कार्यकर्ता स्वदेशी अपनाओ का नारा देकर चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार की बात करते अभी बल्यानी जी सुझाव दिया है। उसके माल की खपत को बल्यानी जी ने सुझाव दिया वो भी सुना होगा आपने, डंपिंग यूनिट को लेकर के कुछ कहा है? हाँ सुना, ये संभव है जी? नहीं ये संभव है क्या? अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के चलते ये संभव है कि एकाएक व्यापार रिश्ते तोड़ दिए जाए? जी संभव जी। इम्पोर्ट ड्यूटी आप बढ़ा सकते हैं 40 या मनमानी उस पर ड्यूटी लगा दी जाए जी। ये हमारे अभिनेत्री जी बोल रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, संभव नहीं है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। खैर हमारा सवाल बढ़ा सकते हैं वो सबका, हमारा जो जी 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 बोलिए बोलिए। जो जो त्रिपाठी जी जो जो करना है हम करेंगे, चाइना को खदेड़ेंगे इंडिया से। वो घुसा हुआ है 10 किलोमीटर तक, पहले अपना अपना ही बता देंगे फिर खदेड़ेंगे। नहीं
नहीं नहीं घुसा नहीं घुसा है, हम घुसने देंगे ही नहीं उनको। हमारा सवाल आपने उत्तर नहीं दिया, बहुत लंबा चौड़ा। हमने ये पूछा कि क्या वाकई में चाइना की कंपनियों से पीएम केयर फंड में पैसा आया है कि नहीं आया। देखिए बहुत ईमानदारी की बात त्रिपाठी जी, मैं आप जानते हो मैं सच कहने में कभी पीछे नहीं हटता, मुझे नहीं पता। और प्रधानमंत्री जी केयर फंड में किसने फंड दिया कौन जानता है। अब आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं जी, कोरोना संकट है प्रदेश में जी, मेरे परिवार को एक राशि देनी थी जी, मेरे सामने दो विकल्प थे, एक प्रधानमंत्री राहत कोष में दूं या मुख्यमंत्री राहत कोष में दूं जी। मेरे परिवार का ये जमीर कहता था कि हम छत्तीसगढ़ में व्यापार करते हैं, छत्तीसगढ़ का अन्न खाते हैं, हमने मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दिया, मेरे परिवार ने दिया, मैं स्वयं जाके दिया हूं, तो क्या मैं मुख्यमंत्री का समर्थक हो गया। अगर कुछ कंपनियां जो चाइना में मेक इन इंडिया के तहत काम कर रही है, व्यापार कर रही है, और ऐसे लोगों ने अगर प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा दिया होगा जी, तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लड़ाई ये झगड़े की स्थिति तो अभी हो गई ना, व्यापार तो हमारा UPA 1 UPA 2 से चलते आ रहा है जी। मनोज जी की टिप्पणी ले लगे, कोई लुका छुपा खेल थोड़ी किया है। लेकिन बल्लारी जी ये बात तो सही है, अगर उन्होंने भूपेश बघेल जी की मुख्यमंत्री राहत कोष में उन्होंने फंड जमा किया है, इसी तरह कोई भी फंड जमा कर सकता है कोरोना का महामारी का। मैंने दिया हाँ बल्लारी जी, 3,51,000 मैंने मेरे परिवार से दिया है। बल्लारी जी आपको फिर तो प्रधानमंत्री राहत कोष में देना चाहिए था, श्रीचंद सुंदर आपको प्रधानमंत्री राहत कोष में देना चाहिए था। ऐसा है ऐसा त्रिपाठी जी, श्रीचंद जी ने भले ही मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया होगा लेकिन यहाँ के सारे सांसदों और विधायकों ने सारा पैसा पीएम केयर फंड में ही दिया है, पीएम केयर फंड में दिया है। अरे छत्तीसगढ़ के सांसद हो तो पहली प्रतिबद्धता अपने राज्य के प्रति होनी चाहिए जी। तो एकाध तो दिले एक राजनीतिक तौर पर सोचने का तरीका है जी, ये एकाध तो दिलेर आदमी मिले जो मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया, आपके यहाँ कांग्रेस के किसी ने प्रधानमंत्री राहत में डाला क्या है। मैं विधायकों ने सांसद से भी कुछ लोगों ने दिया होगा जी, कुछ लोगों में कौन है मुसलमान निश्चित रूप से डाला है, बोल रहे निश्चित रूप से डाला होगा, डाला होगा और डाला है, देखिए वही में बोल रहे हैं। नहीं सुंदरानी जी अपनी बात कर रहे हैं जी, सुंदरानी जी ने अपना बताया लेकिन उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उनके सारे एमएलए ने जो एमपी का फंड था वो पूरा ट्रांसफर किया केंद्र में, लेकिन राज्य के लोगों ने पैसा दिया। मैं भूपेश बघेल का आदमी तो नहीं हो गया ना, बस वही मैं सवाल का बल्लानी जी, अगर उन्होंने उदाहरण ये दिया है कि अगर मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया है तो मैं कांग्रेसी नहीं हो गया, इसीलिए अगर कोरोना की महामारी में मेक इन इंडिया के तहत चाइना से कोई कंपनी अगर पैसा राहत कोष में दे रही है तो ये ऐसा थोड़ी हो गया कि दुश्मन है तो इसका पैसा भी दुश्मन हो गया। नहीं नहीं सवाल दुश्मनी का नहीं है जी, जब पूरे देश में माहौल चीन के खिलाफ है जी और आप चाहते हो कि चीन से आयात बंद हो हम आत्मनिर्भर बने जी, तो चाइना की कंपनियों से आप पीएम केयर फंड में क्यों पैसा ले रहे हैं। और जो सुंदरान जी बोलते हैं कहां से पता चला, ये तो पीएम केयर फंड का टोटल अमाउंट आया था और जो कंपनी पैसा दिया है उन्होंने खुद कहा है जी कि हमने पीएम केयर फंड में ये पैसा दिया है। कंपनियों का ही जो कंपनी इंडिया में व्यापार कर रही है, जो कंपनी इंडिया में व्यापार कर रही है त्रिपाठी जी, उनको इंडिया कोई गड़बड़िया के संकट के समय पैसा देना चाहिए। आपने चीन के राष्ट्रपति को अहमदाबाद में झूले में झुलाया सब परिवार, चीन के राष्ट्रपति को सब परिवार आपने मद्रास के समुद्र किनारे पर घुमा दिया। अच्छा आपसे कोई राष्ट्र की नीति तय नहीं होती है, यूपीए की सारी नीति ना विदेश नीति। नहीं मेहमान का सम्मान नहीं करोगे रमेश जी, मेहमान का सम्मान की सरकार होती तो जिन तीन आते तो उनको भगा देते क्या कि हमारे अंदर मत घुसो, समुद्र की सैर नहीं कराना, इधर हमारे झूले में नहीं बैठने देना। नहीं
नहीं नहीं वो सवाल नहीं है जी, नहीं मेहमान का सम्मान नहीं करेंगे आप, भारतीय संस्कृति क्या बोलती है, लेकिन राष्ट्रहित पहले आपको राष्ट्र का ही तो सोचना चाहिए। आज पूरी हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो चीन के भरोसे हो गई है। राष्ट्र देखिए, राष्ट्र की बात जहां है मोदी जी, तो आपको इस बात का ध्यान देना मुकाबला करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी 4 बार चाइना गए, प्रधानमंत्री के रूप में 6 बार चाइना गए, तो इतना देश को आपने निर्भर कर दिया चीन के ऊपर कि आज आप आत्मनिर्भर करने की बात भी करेंगे। राहुल आदरणीय मल्याल जी, आपके यहाँ राहुल गांधी जी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार ही नहीं हो पाया है। बात हो रही कहाँ कहाँ जाते हैं पीएम राहुल गांधी जी, कहाँ कहाँ जाते हैं? सवाल सरकार में आप बैठे हो, विपक्ष का काम है सरकार सवाल करना। ये लोग सरकार में बैठ के जवाबदेही से बचना चाहते हैं तो कभी 62 की बात करते हैं। राहुल गांधी जी बैंक में जाके क्या करते हैं? इतिहास से सबक लेना सीखिए, इतिहास को दोहराने का काम मत करिए। चलिए मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे, मुद्दा जबरदस्ती बनाया गया है, वो आरोप लगा रहे हैं सुंदरानी जी कि हमारी इतनी बढ़िया वर्चुअल रैली हुई है जिसके कारण मीडिया का ध्यान भटकाया गया। ऐसे ऐसे होता भी है, लेकिन इसमें जबरदस्ती बनाया गया मुद्दा है या इस मुद्दे के आधार पे विपक्ष के जो वार है उसको कांग्रेस सत्ता पक्ष कमजोर करना चाह रही है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पर सवाल उठाया था कि जो है उनके चीन के प्रति प्रेम के बारे में बताया था कि किस तरह से यूपीए शासनकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई थी, चीनी दूतावास इन्वॉल्व था, तो उस संबंध में कई सवाल कांग्रेस से उठाए गए थे। तो उसके काउंटर के रूप में मुझे लगता है कि ये तो पुराने समय की बात है और उस समय चीन के साथ कोई उस तरह की शत्रुता नहीं थी, उस समय भारत चीन के संबंध ठीक ठाक थे यूपीए शासनकाल के दौरान। लेकिन अभी जबकि भारत और चीन के बीच विवाद की स्थिति लगातार दिख रही है और ऐसे समय में पीएम केयर फंड में यदि चीनी कंपनियों के तरफ से पैसा मिलता है तो ये कहां तक उचित है, तो इसी को लेकर जो है काउंटर रिएक्शन देने की कोशिश मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से और यहाँ के मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। नहीं, ये तो दिल्ली का मुद्दा है ना, वर्चुअल रैली का कोई असर नहीं है, वर्चुअल रैली केवल टीवी में दिखती है। दिल्ली का मुद्दा है मनोज जी, दिल्ली में राष्ट्रीय प्रवक्ता इनके या अन्य मुद्दा, इसको स्टेट में उठाने का क्या मतलब रहा है? और भी मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के पंजाब में है। देखिए भूपेश बघेल जी के त्रिपाठी जी, भूपेश बघेल जी के नहीं है, मनोज जी से मैंने सवाल किया, मनोज जी से सवाल किया मैंने, मनोज जी जी मनोज जी जी कल जो जानकारी आई थी कि पैरेलल यहाँ पर जब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये तमाम आरोप प्रधानमंत्री पर लगा रहे थे, ठीक उसी समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बिल्कुल यही आरोप लगा रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी कल मिली होगी कांग्रेस पार्टी को कि पीएम केयर फंड में करीब करीब जो हमने जोड़ा है, कल मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी जुड़ा था और उन्होंने बकायदा फिगर बताया कि किस कंपनी ने कितना पैसा पीएम केयर फंड में दिया है और ये कुल जोड़ने पे करीब 153 करोड़ रुपए होता है, 9,768 करोड़ रुपए में से 153 करोड़ रुपए जो आया है पीएम केयर फंड में वो चीनी कंपनी जो भारत में काम कर रहे हैं जैसे ओप्पो है, पेटीएम है और भी एक दो कंपनियों का नाम उन्होंने गिनाया, तो जो है 153 करोड़ रुपए जो है चीनी कंपनियों ने दिया है। और इसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि चीनी कंपनियों से पैसे लेकर क्या जो प्रधानमंत्री हैं वो ब्लाइज हो गए हैं और इसीलिए उन्होंने चीन जैसे ज्वलंत जो मुद्दा है भारत चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है, 20-20 जवान जो है भारत के वो शहीद हुए हैं, उसके बावजूद प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं, क्या ये पैसा जो मिला इसके चलते उबलाइज तो नहीं हो गया प्रधानमंत्री, इस तरह का आरोप लगाया और कई तरह के सवाल उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछे हैं। चलिए ज्योति जी आपकी भी टिप्पणी चाहिए, लेकिन 153 करोड़ में प्रधानमंत्री उबलाइज जाएंगे, 10 किलोमीटर तक की सीमा से इनको दे देंगे, ये थोड़ा हास्यास्पद बात लगती है। ज्योति जी आपकी टिप्पणी एक बार फिर मल्याणी जी के पास चलते हैं, बाद में आपकी टिप्पणी के बाद।
नहीं मुझे मुझे तो लगता है कि दरअसल ये जब से मनोज जी सही कह रहे हैं, जेपी नड्डा जी ने ये आरोप लगाए राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर के कि चाहे चीन की तरफ से उनको फंड मिला है और ये सारी बातें हुई हैं। देखिए चाइनीज वायरस कोरोना के आने के बाद पीएम केयर फंड की स्थापना हुई और उसके पीछे तर्क यह दिया गया कि जो प्रधानमंत्री राहत कोष है उसके स्थायी जो ट्रस्टी हैं उनमें कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष भी उसमें होने के कारण ऐसा बताया गया राजनीतिक रूप से कि पीएम केयर फंड की स्थापना कोरोना से लड़ाई के लिए की गई ताकि देश की जनता या और भी जो लोग हैं वो पीएम केयर फंड में पैसा दें और उसके पैसे से कोरोना के खिलाफ जो जंग देश में लड़ी जा रही है जो कि एक चाइनीज वायरस है वो उस पर उसका उपयोग किया जा सके। देखिए आपने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष भी है उसकी, उनकी स्थायी ट्रस्टी है प्रधानमंत्री राहत कोष की, तो ऐसा भी आया है पैसा, ऐसा सूचना है कि मतलब जो जो जी का जो सूचनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस को जो बताई जाती हैं उसमें बताया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थायी ट्रस्टी होते हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने पीएम केयर फंड बनाया। लेकिन एक पारदर्शिता होनी चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, जब विपक्ष का काम है कि वह सवाल उठाए देश में और विपक्ष ने जब पीएम केयर फंड को लेकर के सवाल उठाए हैं और जो भी चीनी कंपनियों को लेकर के सवाल उठाए हैं तो सरकार को चाहिए जिस तरह वो कांग्रेस से सवाल पूछते हैं उस तरह से वह उन सवालों का भी जवाब दे और देश को यह क्लियर करें कि स्थिति क्या है और ऐसा क्यों है कि पीएम केयर फंड आरटीआई से अलग है, पीएम केयर फंड ऑडिट से अलग है, ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है, इस बात का भी सवाल सरकार को जवाब सरकार को देना चाहिए। बिल्कुल सुंदरानी जी देंगे, लेकिन बल्याणी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। एक बात यहाँ जैसा हमने कहा 153 करोड़ मात्र में प्रधानमंत्री ओबलाई दे जाएंगे ऐसा लगता नहीं है। ओबलाई नहीं, सवाल ये ओबलाइज हो कि ना हो, लेकिन पूरी सरकार का स्थिति ऐसी है कि न रक्षा मंत्री, न विदेश मंत्री, न प्रधानमंत्री जी ये चीनी सीमा के मामले में चीन का नाम लेने से परहेज क्यों करते हैं। कल भी मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने चीन का नाम ले लिया जी। ये कहा हम दोस्ती निभाना जाते हैं और आग भी दिखाना जानते हैं किसको, तो चीन का नाम लेने से आखिर डर क्या है। ये बड़ी विचित्र बात पहले हो रही है। देखिए इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया जी। सिक्किम को हम लोगों ने अपने देश में विलीनीकरण करा लिया, अरुणाचल प्रदेश हमने बना दिया, गोवा को 1956 में नेहरू जी ने शामिल करवाया, तो तिब्बत में क्या हो गया, तो ये होता है साहस। तिब्बत के सीने का साहस ऐसा देख रहे हैं। अरे शिमला समझौता हो क्या गया, 56 के सीने को पता नहीं। अरे रमेश जी शिमला समझौता हो गया, जो जीता था सब लौटा दिया, तिब्बत आपके हाथ से चला गया, इसको भी तो गिनाइए। नहीं तिब्बत देखिए 1962 की स्थितियां अलग थी, किलोमीटर इतिहास से सबक लिया 62 के, उसके बाद हमने देश को अनाज में आत्मनिर्भर किया, देश को रक्षक बल में आत्मनिर्भर किया, उसके बाद तो 1971 में बांग्लादेश बना दिया हमने, चीन के विरोध के बावजूद सिक्किम का हमने राज्य विलीनीकरण कराया, चीन के विरोध के बावजूद हमने अरुणाचल प्रदेश बनाया। दिक्कत यह है त्रिपाठी जी, आज कांग्रेस के ऊपर उन लोग उंगली उठाते हैं जिनका देश की आजादी आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, जिन्होंने चीन से लड़ा नहीं है। हमने लड़ा है, ठीक है, एक युद्ध हमारे 1962 का, लेकिन उसको लेकर आज हमसे सवाल करेंगे, सवाल सरकार में होता है उससे पूछा जाता है विपक्ष। ये विशुद्ध परंपरा हो रही है कि सरकार में बैठे लोग विपक्ष से सवाल करते हैं जवाब देने के बजाय, ये नई परंपरा हो रही है देश में। चलिए बल्लानी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सुंदरानी जी, लेकिन एक बार अगर जैसा कि अग्नोत्री जी बोल रहे हैं अगर सरकार को एकदम क्लीन चिट दे दें, ये ऐसा ऐसा है, हमने यहाँ यहाँ खर्च किया है, इतना पैसा यहाँ से आया है, सारा ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। नहीं त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व पे कोई शंका की जा सकती है क्या, वो प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा कहीं और लगाएंगे, यही तो बोल रहा हूँ, बाल बच्चे जिनके लिए ले जाएंगे। अरे यही तो बोल रहा हूँ कि जवाब दे देना प्रधानमंत्री जी, अगर प्रधान बिल्कुल देंगे,
जी इन्होंने जवाब कहाँ मांगा, इन्होंने तो हिसाब, इन्होंने तो आरोप लगा दिया जी। अरे सार्वजनिक कर दो ना भाई, क्या दिक्कत है, ये तो सिर्फ आरोप लगा के हीरो बनना चाहते हैं। हीरो बनना, हीरो आरोप लगा के हीरो बन जाते हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं जी। अरे एक्शन में रिएक्शन होता है सुंदरानी, ये आरोप लगा रहे हैं साहब। त्रिपाठी जी अपने कर्मों को छुपाने के लिए ना दूसरे को बुरा बोल दो आप ये। अरे तो आप बता दीजिए ना कि हाँ यहाँ से इतना पैसा आया है, यहाँ यहाँ खर्च कर रहे हैं, यहाँ इतना रखा है, यहाँ इतना खर्च होना है उसमें, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगे पहली बार तो इसलिए दे देना चाहिए। अभी संसद का सत्र आएगा जी, जरूर बैठेंगे सारे लोग जी, सारा हिसाब संसद में रखा जाएगा, क्यों नहीं रखेंगे प्रधानमंत्री, सत्र से क्या संबंध है इसका भाई। तो अरे बोला खर्च तो हो जाने दीजिए, बल्लानी जी बता देंगे वो कि आप ये चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को दे दें उसमें। अभी तो पीएम केयर फंड का पैसा छत्तीसगढ़ का हक नहीं, छत्तीसगढ़ को भी मिला है कि छत्तीसगढ़ को पीएम केयर फंड से मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा तो खर्चा करें, सभी मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा तो खर्चा करें। ये देखिए प्रधानमंत्री का ये दायित्व होता है कि जो जो राज्य कोरोना संक्रमित है उनको पीएम केयर फंड हो चाहे केंद्र का पैसा हो जी, उनका पैसा उनको राज्यों को देना चाहिए। हम तो ये बोल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी 18 लाख करोड़ में जमा किया तो है, उसका बंटवारा भी उनको राज्यों को करना चाहिए उसके अनुपात में जहां पेट्रोल का कंजप्शन हुआ है। केंद्र सरकार ने नहीं दिया क्या, छत्तीसगढ़ कुछ भी नहीं दिया। कोरोना की लड़ाई लगातार दे रही है, सारा डीजल पेट्रोल की जो बढ़ी कीमतें हैं उसकी एक्साइज ड्यूटी सीधा सीधा केंद्र के खाते में गई है। और आज 2014 से लेकर 2020 तक 18 लाख करोड़ रुपया इन्होंने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी से कमाया है, आम आदमी पर बोझ डालकर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम है लेकिन हिंदुस्तान में कीमतें 3 गुना ज्यादा है, ये भी विचित्र स्थिति देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी बात मुद्दे की यह है कि पीएम केयर फंड में जो पैसा आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, मुद्दा ये है, और सार्वजनिक हो जाएगा तो मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा। सुंदरानी जी जी, सुंदरानी जी देखिए प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे पारदर्शिता से काम करते हैं जी। और सारी पारदर्शिता रहेगी, सारी बातें जनता के बीच में खुली किताब की तरह आएगी। कांग्रेस पार्टी अपने आप को संभाले, अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दे जी। अपना जवाब तो दे नहीं पाते। लेकिन सुंदरानी जी अगर चीनी कंपनियों से, राहुल गांधी पर्दे के पीछे, चीनी कंपनियों से किसी भी रूप में आप सहायता लेंगे तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मोरल आपका काम नहीं करेगा, कैसे करें। हमारी हमारे प्रधानमंत्री जी किसी चीनी कंपनी से, चीनी व्यक्ति से कोई फंड नहीं लेंगे। हाँ, चीनी कंपनी कोई मेक इन इंडिया के तहत, मेड इन इंडिया के तहत इंडिया में अगर व्यापार कर रही है और तब हमारे संबंध अच्छे रहे होंगे, जरूर लिया होगा। हालांकि चीनी से बल्यानी जी बोल रहे हैं, चीनी शब्द कहने से मोदी जी डर रहे हैं, मोदी जी को डायबिटीज तो नहीं है। ये कांग्रेसियों को डायबिटीज ज्यादा होता है, हमारे यहाँ देखिए हम लोग बहुत पाक साफ काम करते हैं, हम लोगों की सरकार पारदर्शिता से काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक चाइना नहीं 10 चाइना से तभी आएगी जब बताओगे डिटेल उसका। देखिए मुद्दा आज नहीं तो कल निश्चित पीएम केयर फंड का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बने और बड़ा मुद्दा बने, इसके पहले सार्वजनिक हो जाना चाहिए। अगर कह रहे भूपेश जी ने अगर सार्वजनिक कर दिया कि जितना मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो भी पैसा आया है वो हमने खर्च कर दिया है तो हो जाने में क्या दिक्कत है, तभी तो अच्छी लड़ाई हो सकती है। खैर ये आप लोगों का अपना मामला है, हमारा समय समाप्त हो रहा है। जी जी कुछ बोल रहे थे आप, कहां त्रिपाठी जी कहां मुख्यमंत्री राहत कोष का डिटेल आया है छत्तीसगढ़ का भी। बल्लानी जी बोल रहे हैं हमने दे दिया है, क्यों बल्लानी बांट देना पूरा वो 10-10 करोड़ दे दिया है आपको। मैं हाँ मैं आपको काफी उपलब्ध कर रहा हूं, प्रदेश में बांटा था मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कल ही
कि मुख्यमंत्री सहायता कोष का पूरा विवरण दिया गया है और देने तैयार हैं। और एक बार मांग लीजिए, हम देने तैयार हैं। चलो एक कॉपी, एक कॉपी, एक एक कॉपी भिजवा दीजिएगा मेरे पास। चलिए स्वराज भी भिजवा दीजिएगा, मनोज जी आप भी ले लीजिएगा, उसमें शायद कुछ अपना भी हिस्सा देख लीजिएगा उसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बल्यानी जी आपका भी, सुनवानी जी आपका भी, मनोज जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के लिए विशेष रूप से नरम रुख आ सकते हैं और पीएम केयर फंड को कैसे नियंत्रित किया जाता है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ये वो दो बड़े आरोप हैं जिसके बाद प्रदेश भाजपा आक्रामक हो चली है। लेकिन अब देखना यह है कि सीएम भूपेश बघेल के सवालों का पीएम मोदी क्या कोई जवाब देंगे या प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उनकी पार्टी ही प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलती रहेगी। हालांकि सबके बीच एक सवाल जरूर उठ रहा है, सीएम भूपेश बघेल ने तभी ये बात क्यों उठाई जब बीजेपी ने चीन द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा देने की बात कही। अगर मुख्यमंत्री पहले से ये जानते थे तो उन्हें अपनी बात को पहले ही रखना चाहिए, लिहाजा अब बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा बता रही है। खैर छत्तीसगढ़ के बाद आप चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां मंत्रिमंडल विस्तार की सोगवाहट न सिर्फ तेज है बल्कि ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो सकता है। ऐसे में अब चर्चा मंत्रिमंडल का मंगल को लेकर।